हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल। देखिए, जो सर्विस मेंस होता है, ठीक है, सर्विस मेंस में मैंने आपको दो प्रकार के सर्विस मेंस के बारे में बताया है। और उस दो प्रकार के सर्विस मेंस में मैंने आपको बताया है कि पहला तो आपका ओवरहेड होता है और दूसरा क्या होता है, आपका अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के सर्विस मेंस में मैंने आपको बताया है। अब उस दोनों प्रकार में अगर आप कह सकते हो कि जो सर्विस मेंस के प्रकार थे दोनों, ओवरहेड और जो आपका था अंडरग्राउंड, तो ओवरहेड का तो सीधा सीधा आपको मैंने बताया था कि आपको बस पोल पर से रहता है, पोल पर से डायरेक्ट आप टैप करके अपने घर में जो एनर्जी मीटर होता है वहाँ तक आप उसको लगा सकते हो, है ना। लेकिन जो अंडरग्राउंड होता है, वो अंडरग्राउंड मेथड जो होते हैं वो जनरली आपके अलग अलग प्रकार से बिछाए जाते हैं। हालांकि आप ऐसा कह सकते हो कि जनरली सिंपल मेथड जो होता है ट्रेंच लेइंग होता है हमारा। ठीक है, बताते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेंच लेइंग होता क्या है। ठीक है, लेकिन और भी मेथड्स हैं। जनरली जब आप हाई वोल्टेज में जाएंगे, जब अधिक मतलब रेंज का वोल्टेज जो होता है, जैसे 11 kV हो गया या 66 kV हो गया, उन सबको अगर अंडरग्राउंड करना होता है, टिल 66 kV अंडरग्राउंड किया जाता है, तो जो हाई वोल्टेज होते हैं उसके ही वही सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लीकेबल होते हैं सर्विस मेंस के लिए। ठीक है, बट जनरली हम लोग ट्रेंच लेइंग ही घर में करते हैं। ठीक, मतलब जो सर्विस मेंस के लिए होता है उसमें ट्रेंच लेइंग ही किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, समझिएगा इस बात को कि जो मतलब डिफरेंट मेथड है हमारा अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का या उसको बनाने का, वो मेनली मेनली आपका दो प्रकार का होता है। पहला है आपका कौन सा, ट्रेंच लेइंग, और दूसरा आपका है ड्रॉइंग सिस्टम। ठीक है, पहला आपका कौन सा है, ट्रेंच लेइंग, और दूसरा आपका कौन सा है, ट्रेंच लेइंग। ठीक है, ट्रेंच लेइंग। अब देखिए, इसमें हम लोग पहले के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका पहला मेथड है ट्रेंच लेइंग। ठीक है, कि ट्रेंच लेइंग जो है आपका क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस डायग्राम को देखिए। देखिए, कुछ इस प्रकार का ट्रेंच लेइंग किया जाता है आपका। ठीक है, देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आप इस डायग्राम को ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आपका है ट्रेंच लेइंग का डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है ये आप समझिए ध्यान से, आपको मैं दिखाता हूँ एक डायग्राम। हाँ, देखिए इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डिगिंग किया जाता है। ये जो है आपका एक गड्ढा बनाया जाता है आपका, ट्रेंच लेइंग। ट्रेंच मतलब ही होता है, मतलब गड्ढा होता है। तो ट्रेंच लेइंग में क्या होता है, इस प्रकार से आपका एक गड्ढा बनाया जाता है जो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये गड्ढा बनाया जाता है। जनरली ये मतलब 600 mm कह सकते हैं, 600 mm, या फिर डेढ़ मतलब 1.5 मीटर तक लगभग ये किया जाता है। देखिए, अब कहते हैं, कहिएगा कि सर 1.5 मीटर तक जाने का मतलब क्या ज़रूरी है। तो देखिए, 1.5 मीटर जाने का ये ज़रूरी है आपका कि मान लीजिए कि जो लेइंग किए हुए हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं, कभी मान लीजिए बारिश आता है या बारिश वगैरह की वजह से क्या होता है, मिट्टी वगैरह धस जाता है या वहाँ परेशानी हो जाती है, तो उसके वजह से केबल डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए उसको थोड़ा अंदर किया जाता है। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा इस प्रकार का कुछ गड्ढा बनाया जाता है या ट्रेंच बनाया जाता है। अब इस ट्रेंच में क्या किया जाता है, रिवर सेंड कह सकते हैं, जो नदी का जो बालू होता है उसको ऐसे डाला जाता है। ठीक, नदी का जो बालू होगा उसको इस प्रकार से यहाँ पे डाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको देखिए केबल दिख रहा होगा, ये देखिए केबल है ना। तो जो नदी का बालू होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर आप सही से देख सकते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी जो है ये वाला आपका है, ये रिवर सेंड ही है आपका, ये जो है आपका रिवर सेंड है। ठीक, तो रिवर सेंड डलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ब्रिक दिख रहा हो, ये ईंटा दिख रहा है, ठीक है, ब्रिक, इसको बोलते हैं ब्रिक बेड। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि ब्रिक बेड बनाते हैं। ठीक है, अब जो आप ट्रेंच बनाए हो उसी में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक बेड बनाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि आप ये जो बनाए हो, ये जो ट्रेंच है आपका, यहाँ पे आप ब्रिक कुछ इस प्रकार से, हाँ कुछ इस प्रकार से ब्रिक आप क्या करोगे, बिछा दोगे। अब देखिए, ब्रिक बिछाने के बाद क्या होगा कि ये ब्रिक के सेंटर में, ब्रिक के सेंटर में आप क्या करोगे, केबल बिछा दोगे। ठीक है, मतलब ये बीच का बात मैं कर रहा हूँ, इसके बीच में आप क्या करोगे, इसके सेंटर में आप केबल बिछा दोगे। समझ में आई बात? अब जब केबल आप बिछा दोगे, अब क्या करोगे, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिर से रिवर सेंड आपको डाल देना है। देखिए, रिवर सेंड डालने का मतलब ये होता है, कह सकते हो कि डालने का ये रीज़न रहता है कि जो भी हमारा अंदर मॉइस्चर वगैरह होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, केबल को यह मतलब डैमेज होने नहीं देगा। समझे बात को? तो ये हो गया। अब रिवर सेंड डालने के बाद क्या होता है, फिर से आपको यहाँ पे
फिर से आपको यहाँ पे आपको आप जो है ब्रिक का बेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिक का बेड बनाइएगा, ब्रिक बेड मतलब इस प्रकार से कुछ आप ब्रिक को बिछा देंगे, है ना, और फिर उसको जो मिट्टी आपका ऊपर था उसको आप कवर कर देंगे, समझ में आया। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए आपको केबल भी दिख रहा होगा, ये निकला हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपका केबल दिख रहा होगा, है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखिए ये जो है आपका केबल है ना, तो ये केबल आपका बिछाया जाता है। तो ये सिंपल मेथड है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। तो यही हमारा ट्रेंच लेइंग है, या इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेइंग भी बोलते हैं, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिएगा ट्रेंच लेइंग में, नोट कर लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट लेइंग सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेइंग सिस्टम भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, देखिए, इन दिस मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल ए पिट ऑफ 600 mm कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मीटर की जगह पे mm कर लीजिएगा, 600 mm डीप एंड 450 mm वाइड। जनरली मैं ऐसा किया जाता है, हालांकि ये 1.5 मीटर तक जाता है, इसके आगे मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ आपको इसके आगे। तो ये क्या होता है कि 600 मीटर तक आपका 600 mm डीप हो सकता है, या फिर 450 mm आपका वाइड हो सकता है। रीज़न ये है कि जो कोई भी लेबर वगैरह जो डिगिंग करेगा, मान लीजिए जो ट्रेंच बनाएगा, उसको अंदर उस ट्रेंच में जाने के लिए तो होना चाहिए। देखिए, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो हम डिगिंग किए हैं, ये जो है हमारा, इसका जो डेप्थ होगा, ये डेप्थ हम लगभग लगभग 600 mm मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 600 mm मिनिमम, और करीब करीब आप टू 1.5 मीटर तक जा सकते हो। तो ये डेप्थ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये चौड़ाई की बात करूँ, वाइड कितना होगा, चौड़ा कितना होगा, तो उसका बात अगर करना होगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो करीब करीब आपका 450 mm मिनिमम, ठीक है, 450 mm, ताकि लेबर जो भी डिग करेगा, गड्ढा बनाएगा, वो मतलब आसानी से किया जा सके, है ना। तो वो हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है कि 450 mm वाइड इज डग अलोंग द रूट। रूट मैंने यहाँ देखिए, ये रूट का मतलब RWT मतलब जड़ होता है, इसको आप सही कर लीजिएगा, RUTE होगा, ये क्या हो जाएगा, RUTE, RUTE रूट मैंने रास्ता होता है, ठीक है। देखिए, इनसाइड दिस ब्रिक डक्ट इज अ फॉर्म, मतलब जो आप गड्ढा बनाए उसमें क्या करते हैं, ब्रिक डक्ट बनाते हैं कह सकते हैं, या ब्रिक बेड कह लीजिए आप, ब्रिक बेड आप बनाइए, इज फॉर्म्ड ऑन विच द केबल इज ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ दिस डक्ट, ठीक है। तो जो आप ब्रिक बनाएंगे, ठीक, समझ रहे बात को, इस प्रकार का जो आप ब्रिक का बेड बनाएंगे या ब्रिक डक्ट बनाएंगे, इसके सेंटर पे आप क्या करेंगे, केबल को बिछाएंगे आप, है ना, केबल को लाई करेंगे, क्लियर है आपका। और फिर क्या करना है उसके बाद, देखिएगा कि अराउंड विच रिवर सेंड इज फिल्ड, उसके चारों ओर क्या किया जाता है, रिवर सेंड को भर दिया जाता है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या किया जाता है, रिवर सेंड को भर दिया जाता है। उसके बाद द टॉप इज ऑल्सो क्लोज्ड विद ब्रिक डक्ट। टॉप मतलब कहने का, जब आप शुरुआती में क्या किए थे, ब्रिक डक्ट बनाए, फिर उसके ऊपर केबल रखे, फिर रिवर सेंड से भर दिए, और फिर आप क्या किए, फिर से एक ब्रिकिंग किए, ठीक है, फिर से ब्रिकिंग करने का मतलब आप जो है फिर से ब्रिक का बेड बनाए। अब ब्रिक बेड बनाने के बाद आप कह सकते हैं कि फिर उसके ऊपर भी हम फिर रिवर सेंड, या जो मिट्टी बचा होता है गड्ढा ट्रेंच बनाते हैं, और ट्रेंच बनाने के बाद आपका जो बचा हुआ रहेगा उसको भी आप क्या करेंगे, बिछा देंगे, ठीक। तो ये मेथड था आपका डायरेक्ट लिंक का, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिंक। इसको एक बार और देखिए आप, अगर ये लॉन्ग में आंसर में आता है तो इसको आप लिख सकते हैं और कि दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर, यही आपको है, डायरेक्ट लेइंग कह लीजिए, इसको हम डायरेक्ट लेइंग भी कहते हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका ट्रेंच लेइंग होता है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट लेइंग सिस्टम, क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट लेइंग सिस्टम, क्लियर है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे डायरेक्ट लेइंग सिस्टम के बारे में ही। तो इसमें आप और भी, अगर आपको लॉन्ग आंसर में आता है तो इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो कि दिस मेथड इज़ मोस्ट पॉपुलर एज इट इज़ अ सिंपल एंड चीप। ये जो होता है मेथड आपको काफ़ी पॉपुलर है, सबसे आसान कह सकते हो, और काफ़ी चीप है, सिंपल है और चीप है, मतलब सस्ता है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस गड्ढा बनाना है, ब्रिक को बिछाना है, और फिर क्या करना है, उसके ऊपर केबल बिछा के, बालू डाल के, फिर से ब्रिक बिछा के, फिर से मिट्टी से कवर कर देना। तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो है क्या है, सिंपल है और चिप है सॉरी,
अब देखिए, द केबल इज टू बी लेड यूजिंग दिस मैथड मस्ट हैव द सर्विंग ऑफ अ बिटुमिनस पेपर एंड हैजिंग टेप सो एज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। कहने का ये भी मतलब हो गया कि जो आप केबल बिछाते हो उस केबल में सर्विंग बना होता है बिटुमिनस पेपर का। केबल में जब आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप केबल के बारे में काफ़ी डिटेल में जाकर पढ़िएगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उसी में होता है कि हैजन टेप कह लीजिए या फिर बिटुमिनस पेपर जो है उसके सहारे मतलब कवर कर दिया जाता है, ताकि जो हो करोजन हो या इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से कोई डैमेजेस केबल को ना हो सके। इसका लेइंग प्रोसीजर क्या है, कैसे आप उसको बिछाते हो, आप इसको भी आप लिख सकते हो। देखिए, ए ट्रेंच ऑफ अबाउट 1.5 मीटर डीप एंड 45 सेंटीमीटर वाइड इज अ डक। कहने का वही मतलब हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि मिनिमम आप 600 mm ले सकते हो या फिर मैक्सिमम 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तक आपको गड्ढा बना सकते हो। बुक पे अलग अलग है ये डेटा है, कहीं बुक पे आपको 600 मीटर भी मिलेगा, कहीं 1.5 मीटर मिलेगा, अब रेंज दिया हुआ है तो कहीं 1 मीटर भी मिलेगा आपको, ठीक है। और जो चौड़ाई होगा उसका वो 450 mm होगा या 45 सेंटीमीटर भी उसको आप कह सकते हो। आगे देखिए उसको और क्या बोला जा सकता है। देन ट्रेंच इज कवर्ड विथ ए 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ अ फाइन सैंड। फिर क्या किया, जो ट्रेंच बनाया था उसको 10 सेंटीमीटर थिक लेयर से हम लोग क्या किया, उसको बिछा दिए, ठीक है। द केबल इज लेड ओवर द सैंड बेड। अब जो बालू था उसके ऊपर हम लोग केबल को बिछा दिया, हालांकि उसमें जो ब्रिकिंग कर दिया जाता है पहले, कि ब्रिक से आपको पहले बिछा दिया जाता है, फिर उसके सेंटर पे जो है जो केबल होगा उसको बिछाया जाता है। द सैंड बेड प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए, बालू जो बिछाने का रीज़न है या बालू डालने का रीज़न है कि जो भी ग्राउंड से मॉइस्चर निकलेगा उसको बालू क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो केबल डैमेज होने से बचा रहेगा। देन द लेड केबल इज अगेंस्ट कवर्ड अगेन कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ अ सैंड ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर थिक। फिर से क्या किया जाता है, जो केबल आपने बिछाया उसको फिर से क्या किया जाता है, जो बालू है रिवर सैंड जिसको बोल रहे हो उससे कवर कर दिया जाता है, और वो करीब करीब आपको 10 सेंटीमीटर थिकनेस होना चाहिए। व्हेन मल्टीपल केबल आर टू बी लेड इन द सेम ट्रेंच। अगर बहुत सारा केबल आपको बिछाना है, मान लीजिए अब ये तो एक केबल बिछा है मान लीजिए, लेकिन वहीं पे अगर आपको मान लीजिए कि 2, 3, 4 केबल बिछाना होगा तब आप क्या करेंगे सर, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि मल्टीपल केबल आर टू बी लेड इन द सेम ट्रेंच, ए हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल हीटिंग। देखिए, कहने का ये मतलब हुआ कि ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये 30 सेंटीमीटर आपको पूछा जाता है। देखिए, इसका कहने का ये मतलब हुआ, समझिएगा इस चीज़ को इस प्रकार से कि अगर मान लेते हैं ये आपने ट्रेंच बनाया, अब इसमें मल्टीपल केबल बिछाना है, कहने का मतलब यहाँ पे एक केबल आप यहाँ बिछा रहे हो और दूसरा केबल आप यहाँ बिछा रहे हो, समझ रहे हो बात को, एक केबल यहाँ और एक केबल यहाँ ऐसे कुछ ऐसे बिछा रहे हो, तो इसके बीच में जो गैप होना चाहिए कितना, 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रीज़न ये है कि मान लीजिए कि दोनों केबल आपका अगर आप काफ़ी करीब रखते हो, दोनों दोनों में हीटिंग प्रोड्यूस होगा, और दोनों में हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि इसी हीटिंग से बचने के लिए इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा दूर कर दिया है, और ये पूरा क्या रहेगा, सैंड से भरा हुआ रहेगा। अब जब सैंड से भरा रहेगा तो अगर हीटिंग भी होगा तो वह कहाँ पे डिसिपेट हो जाएगा, बालू में ही हमारा क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, तो हमारा हीटिंग से ये बचा जा सकता है। और उसके बाद कहता है कि स्पेसिंग ऑल्सो इंश्योर ए फॉल्ट अकरिंग ऑन वन केबल डजंट चेंज डैमेज द एडजेसेंट केबल। कहने का ये देखिए मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हीटिंग होता है, हीटिंग होने के वजह से मान लीजिए कि कोई एक केबल आपका डैमेज हो गया, ठीक है, कोई एक केबल आपका डैमेज होगा, ये अगर मान लेते हैं कि हीटिंग हुआ, हीटिंग होने की वजह से अगर ये डैमेज हो गया, तो अगर ये डैमेज होता है तो इसके हीट से हमारा ये केबल तो डैमेज नहीं होगा, तो ये भी एक हमारा क्या होता है, एडवांटेजियस हो जाता है हमारे लिए, समझ में आए बात। देन ट्रेंच इज देन कवर्ड विद ब्रिक्स एंड सॉइल टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी कहने का मतलब हुआ कि बाहरी वातावरण से, जैसे कि आप उस पर चल रहे हो या बहुत सारा व्हीकल वगैरह क्या होगा ड्राइव करेगा वहाँ, तो उन सबसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए या उन सबसे कोई भी किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है, जो भी आप ट्रेंच बनाए हो उस ट्रेंच को ब्रिक या फिर सॉइल, मतलब जो ब्रिक होगा और जो बचा हुआ गड्ढा जो बनाते हो, जो मिट्टी बाहर निकलता है उसी से हम फिर क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट में आप इसका लिख लीजिएगा एडवांटेज। एडवांटेज में क्या हो जाएगा, ये सिंपल एंड चीप होता है, मतलब बहुत ही आसान होता है और सस्ता होता है, ठीक है, करना भी आसान है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हीट जनरेटेड इन ए केबल इज इजिली डिसिपेटेड इन द ग्राउंड। जो हीट जनरेट होता है केबल में वो इजिली डिसिपेट कर जाता है ग्राउंड में, हमारा क्या करता है, डिसिपेट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है।
बोलिए कैसे? क्यों क्यों कि रीजन ये है कि आप क्या कर रहे हो, सैंड का कवर बना रहे हो या सैंड बेड बना रहे हो, और वह सैंड जैसे भी हीट होगा वह सैंड बेड हमारा क्या होगा, बालू में डिसिपेट कर जाएगा। समझ में आया क्या? अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। और भी आप दो तीन पॉइंट छोड़ दीजिएगा, दो तीन लाइन, अगर आपको लगे कुछ कि एडवांटेज हो सकता है तो आप नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि डिसएडवांटेज क्या, अल्टरेशन इन द केबल नेटवर्क इज अ डिफिकल्टी। कहने का ये मतलब हुआ, देखिए कि अल्टरेशन मतलब बदलना होता है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो आप केबल बिछा दिए, इसके अंदर मान लीजिए जो केबल आपने बिछाया है इसको चेंज करना है, या फॉल्ट हो गया, तो किसी वजह से आप कह सकते हो कि नहीं हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया हुआ है, इस प्रकार से जो ट्रेंच किया हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंच करने के बाद यहाँ पे ये केबल आपका बिछा हुआ है ना, ये केबल। अब मान लीजिए इसको बदलना है, तो बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब जो आपका मिट्टी है उसको हटाना पड़ेगा, फिर बालू का जो आप बनाए हो बेड कह सकते हो सैंड बेड उसको हटाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे जो ब्रिकिंग की हो उसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके आप केबल तक पहुँचोगे, तो इतना सारा काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अल्टरेशन कर सकते हो। तो इसलिए क्या होगा, अल्टरेशन जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर। अब देखिए अंडरग्राउंड केबल में मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगा, रीज़न कह सकते हो आप कि जब एक बार भी फॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा आपको गड्ढा मतलब फिर से दोबारा आपको ट्रेंच बनाने की आवश्यकता, मतलब उस ट्रेंच को वहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको केबल मिलेगा, और फिर आप डिफ़िकल्टी को फाइंड कर पाएंगे और फिर उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। आप देखे होंगे कि बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि पूरा का पूरा रोड पे खुदाई हुआ रहता है, बस वही केबल वगैरह की वजह से पूरा रोड को मतलब खोद के रख दिया होता है, समझ रहे हैं, एक्सकेवेशन कर दिया होता है, तो ये सारी परेशानी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है कह सकते हैं एक बार भी मेंटेन करना पड़े तो उसका क्या होगा, कॉस्ट हाई हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं फॉल्ट डिटेक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। फॉल्ट डिटेक्शन, अब ज़मीन के अंदर है तो फॉल्ट कहाँ हुआ ये आसान नहीं होगा हमारे लिए कि फाइंड कर पाएँ, समझ में आई बात, तो फॉल्ट डिटेक्शन भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट मेथड कहते हैं मेथड कैन नॉट बी यूज इन कंजस्टेड एरिया सच एज अ मेट्रो सिटी, ठीक है। तो इस मेथड को आप कंजेस्टेड एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको डिगिंग करना है, गड्ढा बनाना है, और ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, 1.5 मीटर का गड्ढा खोदना, फिर 400-500 mm का आपको वाइड चाहिए, तो अगर कहीं कंजेस्टेड एरिया है, जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो जहाँ मेट्रोपोलिशन सिटी होता है कह सकते हैं, जहाँ पे कि मेट्रो वगैरह चलता है, वहाँ पे खुदाई जो होता है बहुत महंगा हो जाता है और खुदाई करना आसान नहीं हो पाता, इसलिए कंजस्टेड एरिया में ये मेथड हम अप्लीकेबल नहीं करते हैं या यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपका था कौन सा, डायरेक्ट लेइंग मेथड। अब हम दूसरे के बात में दूसरे के लिए आप कह सकते हो कि बात करते हैं हम लोग कि ड्रॉइंग सिस्टम, दूसरा मेथड है आपका ड्रॉइंग सिस्टम या डक्ट पाइप लेइंग भी उसको आप बोल सकते हो। देखिए डक्ट पाइप लेइंग का मतलब होता है कि आप सीधा पहले क्या करोगे, पाइप को बिछा दोगे, देखो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाया गया डायग्राम में, ठीक है। देखो अगर मैं बोर्ड पे बनाता तो ये थोड़ा सा परेशानी होती डायग्राम को दिखाने में आपको, इसलिए मैं अभी इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आप मैनेज कर लीजिएगा अगर परेशानी हो तो आपको, बाकी फिर आपको बोर्ड पर ही लेक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि ये जो आपको बनाया, यहाँ देखिए ये पाइप है पहले बिछा हुआ, क्या है ये पाइप बिछा हुआ है, या यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइप है, और इस पाइप के अंदर केबल भी गया हुआ है ना, इस पाइप के अंदर केबल गया हुआ है, या ये पाइप है और इस पाइप के अंदर केबल होगा, समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार के मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट लेइंग, डक्ट माने होता है पाइप, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ड्रॉइंग सिस्टम, समझिएगा इस चीज़ को कि क्या है ये। देखिए इन द सिस्टम ऑफ लेइंग द केबल आर प्लेस्ड इन द डक्ट्स, ठीक है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसमें क्या किया जाता है, केबल को एक डक्ट में रखा जाता है, या पाइप कह सकते हो उसमें रखा जाता है, विच लेड इन द ट्रेंच। अब वह पाइप भी क्या होगा, किसी ट्रेंच में ही रखा होगा, गड्ढा बनाने के बाद में ही उसमें उस ट्रेंच में पाइप रख दिया जाता है। रीज़न होता है कि अल्टरेशन वगैरह आसान हो जाता है, वहाँ पे जो आपको चेंज करना होगा तो वह सब चेंज करना आपको क्या होगा, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेंच बनाया जाता है, ट्रेंच में एक पाइप बिछाया जाता है, और उस पाइप में हमारा क्या किया जाता है, और केबल को बिछा दिया जाता है। तो डक्ट्स में भी कास्ट आयरन पाइप, कंक्रीट पाइप, जीआई पाइप, ईटीसी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो डक्ट अंदर में रहता है और जो अंडरग्राउंड में यूज होता है वो डक्ट किस चीज़ का बना होता है, तो आप कह सकते हैं कि वही जो डक्ट्स बना होगा वह किसका होगा, कास्ट आयरन पाइप का बना होगा, या कंक्रीट पाइप का बना होगा, या जीआई पाइप का बना होगा। अब उसके बाद कहते हैं दिस टाइप्स ऑफ लेइंग इज यूजुअली यूज्ड इन रोड क्रॉसिंग, जहाँ पे आपको रोड क्रॉस करना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको रोड क्रॉस करना होगा वहाँ पे आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, स्वाभाविक है कि रोड जहाँ पे क्रॉसिंग होगा, रोड के बीच में तो आप गड्ढा नहीं कर सकते हो, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, पाइप को बिछा दिया जाता है,
फिर कहते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, रोड क्रॉसिंग में या रिवर क्रॉसिंग में, अलॉन्ग द ब्रिजेज, रेलवे क्रॉसिंग ETC। अब जहाँ रेलवे क्रॉसिंग वगैरह हो वहाँ सोचो कि आप गड्ढा बनाए फिर मतलब उसमें केबल बिछाए, ये सब परेशानी हो जाएगी। अब मान लीजिए एक बार आप पाइप को बिछाए, अब पाइप एक बार बिछा दिए तो आपको सिर्फ केबल ही तो चेंज करना है। अगर मान लीजिए फॉल्ट भी हो जाता है किसी प्रकार का, या आपको किसी प्रकार से अल्टरेशन भी करना है, मतलब चेंज भी करना है केबल को, तो फिर दोबारा गड्ढा बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, या दोबारा ट्रेंच करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, समझ रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, सीधा का सीधा केबल को आप जो है ट्रेंच में, मतलब ट्रेंच में जो आपका डक्ट रहता है या पाइप रहता है, उस पाइप को आप क्या करोगे, उस पाइप में जो केबल होगा उसको आप बाहर निकालोगे, और जो पाइप बाहर, सॉरी पाइप को नहीं, केबल को बाहर निकालोगे, और जब केबल को बाहर निकालोगे तो फिर से उस केबल को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, तो फिर से दोबारा ट्रेंच बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं द डायमीटर, डायमीटर की बात कर लेते हैं कि पाइप का डायमीटर क्या होगा, हम उसका बात करें तो डायमीटर ऑफ अ पाइप सेलेक्टेड फॉर डक्टिंग ऑफ अ केबल, केबल को जो डक्ट के अंदर रखते हैं उस डक्ट का डायमीटर कितना होगा या पाइप का डायमीटर कितना होगा, कहता है कि शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द आउटर डायमीटर ऑफ द केबल टू बी पुल्ड इन, विच शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 cm ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ अ केबल फॉर एब्स्ट्रैक्शन फ्री पुलिंग। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ इसका, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये कोई आपका ट्रेंच है, अब इसके अंदर ये कोई आप मान लीजिए क्या लिखा है आप, या ये डक्ट बनाए या पाइप बनाए, अब इस पाइप का जो डायमीटर होगा वो कितना होना चाहिए, तो क्लियरली आप ऐसा कह सकते हो जो आपका केबल होगा उस केबल से तो ये ज़्यादा होगा। ये अगर मान लीजिए कि इसके अंदर आपको केबल को पुल करना है या केबल इंसर्ट करना है, तो उस केबल के डायमीटर से तो कहीं ज़्यादा होगा ये, तो वही कहता है कि इस केबल का जो आउटर डायमीटर होगा, ठीक है, इस केबल का आउटर डायमीटर से 2 cm या 3 cm ज़्यादा होगा इस पाइप का डायमीटर, ठीक है, समझे बात को। अगर मान लीजिए कि ये, अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपका है केबल ये 4 mm का है, ठीक है, ये केबल का साइज़ आपका 4 mm, मैंने कि डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ये 4 mm का है, तो इसका मतलब इसमें आप 2 mm जोड़ दीजिए, तो ये पाइप का जो डायमीटर होगा 2 से 4 कहते हैं, या 4 ही जोड़ लीजिए, तो ये 8 mm होना चाहिए, तब तो जाके आप केबल को आसानी से पुल कर सकते हो, या फिर उस केबल को बाहर खींच सकते हो, या फिर से दोबारा उसमें डाल सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता है, यही चीज़ आपका कहा जाता है, ताकि आपको जो केबल हो उस केबल को खींचने में आसानी, मतलब निकालने में, या फिर कह सकते हो कि इंसर्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जो पाइप होगा या डक्ट होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए आउटर डायमीटर जो है हमारा, ठीक है, केबल का आउटर डायमीटर से। देखिए यहाँ पे ये आपका पाइप है और इस पाइप में हमारा ये केबल बिछा हुआ है, तो आपका जो केबल का डायमीटर है उससे ज़्यादा होगा ये पाइप का, तब तो जाके आप इंसर्ट कर पाओगे आसानी से, समझे बात को। चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा, दो प्रकार के सर्विस मेंस जो हैं, दो प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं अंडरग्राउंड के लिए। हालांकि आप जब आगे और पढ़ोगे, मतलब जब हाई वोल्टेज का जो किया जाता है अंडरग्राउंड में, तो उसका एक अलग, मतलब एक प्रकार का और अलग मेथड होता है, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि और भी कैसे किया जाता है, लेकिन जनरली अगर क्या रहता है तो आपका यही दो मेथड यूज़ किया जाता है सर्विस मेंस के लिए, या तो डायरेक्ट लेइंग कह लीजिए, या फिर ड्रॉइंग सिस्टम, या फिर डक्ट या पाइप लेइंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी भी जो प्रेजेंटली कह सकते हैं आपकी जो घर में सर्विस मेंस वगैरह बना जाता है, तो उसमें आपको कौन सा यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट लेइंग ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसी को आपका बनाया जाता है, यही बनाया जाता है, ठीक, समझ में आया। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए, बाहर थोड़ा कम निकलने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी ये कोविड पेंडेमिक कह सकते हैं, ये एक महामारी घोषित कर दिया गया है, और इससे थोड़ा सचेत रहिए। होप सो वी विल सी गुड टाइम अगेन, ठीक है, हम लोग फिर से एक अच्छा समय का देखेंगे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, है ना, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।